टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुंबई में आज बीजेपी पार्टी के तरफ से महिलाओं के लिए जनधन खाता खोला गया और इन्हें पासबुक भी दिया गया। बीजेपी मुंबई मंडल की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस मौके पर बीजेपी के तमाम पदाधिकारी संजय पाटिल, सुखदरे, विक्रम भोईर, सचिन केदारी, कुणाल पाटिल, सुजीत गुप्ता और नाजिया तंबोली के साथ तमाम महिला कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद था कि सरकार द्वारा जो योजना लाई जा रही है उससे महिलाओं को लाभ मिले और बड़ी संख्या में पार्टी में महिलाओं को जोड़ने का काम मुंबई में किया जाएगा। साथ ही आने वाले कॉरपोरेशन चुनाव को भी देखते हुए बीजेपी पार्टी अब मुंबई में अपनी तैयारी शुरू कर दी है। और कार्यक्रम के दौरान संजय पाटिल, विक्रम भोईर और सुखदरे ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सुखदरे साहब, आज यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा गया था, क्या मकसद था दरअसल इस कार्यक्रम का रखने का? भारतीय जनता पार्टी थानेश्वर जिला आमदार हमारे जिला अध्यक्ष निरंजन जी डावकरे साहब, इनके मार्गदर्शन पे थाने शहर में बहुत अच्छा कार्य, सामाजिक कार्य भी कोविड के पैंडेमिक एरिया में हो रहा है। आज हमारे मुंबई मंडल के अध्यक्ष कुणाल जी पाटिल और हमारे महिला मोर्चा के अध्यक्ष तांबुली ताई और उनके मिस्टर अरुण जी तांबुली, इनके माध्यम से आज जनधन अकाउंट के 100 गरजवंत लोगों को आज जनधन अकाउंट के तरफ से सर्टिफिकेट दिया गया है। और जनधन के माध्यम से आपको तो मालूम है कि ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी की योजना है, केंद्र की योजना है। इस माध्यम से हमारे मुंबई के नागरिकों को एक सुरक्षा कवच हम लोग ने प्रदान किया है और इसी माध्यम के तरफ से हम लोग लगभग 1000 लोगों का, हम लोग के तरफ जनधन अकाउंट का पूरा सर्टिफिकेट तैयार है और ये 1000 लोगों का सर्टिफिकेट का कार्यक्रम हम लोग मुंबई मंडल की तरफ से कुणाल जी पाटिल, हमारे तांबुली ताई अरुण जी तांबुली और पूरे मंडल के तरफ से हम लोग करेंगे। और मुंबई की जनता को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो जो हमें देना चाहिए वो हम कार्य करते रहेंगे। और हमारे साथ में आज मुंबई में बहुत सारे लोग, बहुत सारी महिलाएँ ज्वाइन हो रही है और हमें आशा है कि आने वाले महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का यह झंडा यहाँ पे लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी की हमारी महिला नगर सेविका यहाँ से चुनकी जाएंगे, यह हमें विश्वास है। सुखदरे साहब, आप कह रहे हैं कॉर्पोरेशन चुनाव में जो है आप यहाँ से लड़ेंगे, लेकिन विपक्ष के तौर पे मुंबई में बीजेपी पार्टी का जो है कहीं ग्राउंड लेवल पे कोई भी ऐसा काम नजर नहीं आ रहा है। गैप साल से हम लोग, कम से कम हमें अभी 6 साल हो गया है। मैं खुद यहाँ से 6 साल से अर्थम व्यवहार में, हमारे संजय दादा भी यहाँ में हम लोग आके काम कर रहे हैं। और ग्राउंड लेवल पे हमारे कार्यकर्ता है, आपने महापालिका इलेक्शन में, टीएमसी के इलेक्शन में देखा रहेगा कि समाजवादी पार्टी से भी ज़्यादा वोट्स हमें मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जनाधार है। बीच में कुछ इसी वजह से हमारे थोड़ा सा कार्य ठंडा हो गया था, ये पेंडेमिक एरिया था, 2 साल तो हमारा ये कोविड में चला गया। इसकी वजह से हम लोग मीडिया के सामने नहीं, लेकिन हम लोग ने लोगों को यहाँ पे कोविड के अंदर पेशेंट को एडमिट करना है, उनके राशन पहुँचाना है, उन्हें इंजेक्शन की सुविधा उपलब्ध करनी, जो जो कार्य हम कर सकते हैं तो ये पेंडेमिक कार्य में ये सारे में हम लोग ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लोग ने हमारे आमदार जिलाध्यक्ष निरंजन डावकर साहब, संजय गेलकर, संदीप जी ले, इनके माध्यम से लोगों को बहुत सारी आरोग्य की सुविधा यहाँ पे हम लोग ने पहुँचाई है। आप क्या कहेंगे, जिस तरह से बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी कई बार आपसी मतभेद देखा गया है और कहीं ना कहीं मुंबई शहर जो है ये एक मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इसमें आप बीजेपी पार्टी में सबसे ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किस तरह से करेंगे? जितनी भी योजनाएं हैं हम मुंबई में लागू करने वाले हैं, उस योजना के तरफ से आज 1000 महिलाओं को जनधन अकाउंट दिया गया है, अटल पेंशन दी गई है। पंतप्रधान के तरफ से जितनी भी योजनाएं आएगी वो मुंबई में हम चलाएंगे, ये तो पहली हमारी ये मांग रहेगी। हम लोग मुंबई में आज आपने देखा होगा कि 2017 के लिए और 2022 में तब हमारे साथ कौन थे, आज हमारे साथ पूरी महिलाएं ज्वाइन हो चुकी है। मुंबई में महिलाओं का आना यही सिद्ध करता है कि आने वाले दिन में भारतीय जनता पार्टी, महिला जब भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेके चलेगी तो हमारी जीत पक्की है। आज कुछ लोगों को पद दिया गया है यहाँ पे, आज हमने महिलाओं को तो हमने उन्हें जानकारी दी है, आगे चलकर समिति घोषित करने के लिए निरंजन डावकरे साहब आएंगे। महिलाओं हमसे कम 1000 महिलाएं हमारी तांबुली ताई है उनके साथ जुड़ी गई है, जिनको हमने जनधन योजना दी है।
इसमें से कई महिलाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। ये महिला पहले से अभी उनको पता है कि वो काम करना अपने अपने एरिया में शुरू हुआ है। प्रभाग 26 और प्रभाग 31 की जितनी भी महिलाएं आज यहाँ पर आई है, हम ये हफ्ते भर में 1001 महिला तक हम पहुँचेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो स्कीम आती है, जो केंद्र की तरफ से आती है, राज्य की तरफ से आती है, पूरी स्कीम महिलाओं के लिए हम लागू करेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि यहाँ से जो पांच नगर से मुमरा थाना से गए थे चुन के भाजपा के, उसमें से तीन नगर से मुमरा के थे। ऐसा नहीं कि अब मुमरा के लिए भाजपा और भाजपा के लिए मुमरा पहचान वाली नहीं। बात ऐसी है कि तीनों के तीनों अलग पार्टी में जाने के बाद यहाँ पे जो हमारी कमी हो गई, जो हम बैकफुट पे गए, अब हम फिर से शुरू करें। गए 6-7 साल से मैं, मनोहर दादा, विक्रम जी, आप तो आपने देखा होगा, दिन रात यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। उसका नतीजा कि अभी मनोहर दादा ने जो बताया कि अब समाजवादी पार्टी से भी आपको वोट ज़्यादा मिले, हम ऐसा नहीं बोलते कि उनसे एक वोट ज़्यादा मिला या हमारी बहुत बड़ी जीत है, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये पार्टी छोड़ के यहाँ पे जो पार्टी को बैकफुट पे ढकेला था, हम लोग अभी फिर से कोशिश करके, हमारे जिला अध्यक्ष है निरंजन लावकर जी, आमदार संजय केलकर जी, संदीप लेले जी, ये जो पूरी टीम है, इन लोगों ने पूरा अपने आप को हमारे साथ में यहाँ पे झोंक दिया। जो मुमरा का जो भी काम है, फिर स्लम, मुमरा में तो स्लम एरिया ज़्यादा है, तो स्लम एरिया में जितना भी काम करने का रहेगा, जिधर भी काम करने का रहेगा, तो हमारी पूरी टीम वहाँ पे जाके काम करती है।